जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के फर्स्ट यूनिट के बारे में। और यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं एक स्पेशल चीज़ ऐड करने वाला हूँ। फर्स्ट यूनिट के सिलेबस को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आज से पिछले 6 सालों में, मतलब 2017, 18, 19, 20, 21 और 22, इन पूरे 6 सालों में आपके फर्स्ट यूनिट से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए। इससे क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यू ऑल गाइज आर वेरी वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर अवध विश्वविद्यालय सब्जेक्ट 1 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर फिकर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे इसमें टोटल 3 पॉइंट पाएंगे। पहला क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है बच्चों, एजुकेशनल मैनेजमेंट। तीसरा क्या है बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा। वास्तव में यही आपका पूरा सिलेबस है। लेकिन पहला जो यूनिट है बच्चों, पहला यूनिट आपका कंप्लीट क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट के आपका नाम है बच्चों मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन होता क्या है, इसकी अर्थ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आपको ये पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्षेत्र और उद्देश्य एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, शैक्षिक प्रशासन के। मीनिंग और प्राकृतिक देखा आपने, देखा मतलब ये पढ़ना है आपको। दूसरा उद्देश्य और इसके क्षेत्र। दूसरा पॉइंट फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या हैं, यहाँ पे कभी कभी थियरी भी लिखा जाता है, पूछा जाता है, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, आपको वो पढ़ना है। और एक सिद्धांत कई बार पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है बच्चों टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कितने प्रकार के होते हैं। पाँचवा आपको थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट आपके सिलेबस के बारे में। अब आइए, अब आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वास्तव में सवाल कैसे पूछे गए। तो 2017 से लेकर 2022 तक, अब 2017 के वेरी शॉर्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या, नहीं केवल प्रशासन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से आप क्या समझते हैं, ये 2017 के वेरी शॉर्ट में एक नंबर में पूछा गया। अब ये वाला प्रश्न देखिए, 18, 19 और 22 3 साल पूछा गया है, वो भी वेरी शॉर्ट में पूछा गया। क्या, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम पे भेजूंगा ही भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, बहुत ही आसान है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, शैक्षिक प्रशासन के कार्य, ये देखिए शॉर्ट में पूछा है 8 नंबर में। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रशासन, एक या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एक बार 2017 के 1 नंबर में पूछा गया। शैक्षिक प्रशासन के सब संप्रत्यय, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, संप्रत्यय पूछा है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट में यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन के संप्रत्यय यहाँ पे पूछा गया है। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ध्यान से नोट करना पड़ेगा। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र देखिए कितनी बार, 2017 लॉन्ग में, 2020, 21, 22 के 8 नंबर में, इसके क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य एवं उपयोगिता, एम्स और इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, ये पूछा जाए। प्रशासन के लचीलेपन का सिद्धांत, जब आप अगला देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत, उसमें एक सिद्धांत आता है लचीलेपन का, द थीरीज ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। सिंपल सी बात यही होती है कि कोई भी प्रशासन बहुत सख्त ना हो जाए,
इतना सख्त ना हो जाए कि बच्चे वहाँ पे पढ़ने से डर, या फिर कोई भी प्रशासन इतना इतना ढीला ना हो जाए, मतलब इतना सुस्त ना हो जाए कि बच्चों के अंदर डर ही ना रहे। तो लचीलेपन का मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहे, समय आने पे थोड़ा सा नरम हो जाए, समय आने पे सख्त हो जाए। सिंपल सी बात ये, तो हम पढ़ेंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे। ये भी कई बार पूछा गया है बच्चों 19, 22 और 18 में, यानी कि पिछले साल का सवाल पूछा गया। अब आप समझ गए इस प्रकार से सवाल पूछे गए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, परिभाषा, उनके कार्य, उनके क्षेत्र, उद्देश्य और विशेषताएं और सिद्धांत, बस यही है। तो हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा पढ़ डालेंगे शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, उद्देश्य, कार्य और क्या बच गया, विशेषताएं, ये सारी एक वीडियो में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नंबर 1। हाँ, मुझे पता है आप मुझे क्रॉप कर देंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, क्रॉप कर दीजिएगा, मुझे रख के क्या ही करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। दो स्क्रीनशॉट है ना, दो ही है ना, हाँ करेक्ट, दो स्क्रीनशॉट आपका हो गया यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये वो सारे प्रश्न हैं। मैं जब तक वीडियो बनाऊंगा डालूंगा, आप सेल्फ स्टडी भी जरूर करेगा, इन प्रश्नों को अपने शब्दों में लिखिएगा जरूर, इन्हीं में से बाहर आप देखेंगे जब एग्जाम देने जाएंगे इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पहला यूनिट हो गया, तो अब हम आपके बीएड सेकेंड ईयर के पहले यूनिट को कंप्लीट करते हैं। जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरे यूनिट की तरफ भी चलेंगे। बहुत ही खास रिक्वेस्ट आप सबसे, आपका तीसरा सब्जेक्ट क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, इनका दो यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, पहले यूनिट में जो पढ़ना था दूसरा यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देखिएगा जरूर, उसे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और एक काम आप लोग जरूर करिएगा, मुझे पता है आप लोग करते हैं, अच्छे बच्चे हैं, मतलब दूसरों तक शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि जुड़िए। मैं ये चाहता हूँ ना कि आपके विश्वविद्यालय के जितने भी बीएड के बच्चे हैं वो सारे इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि देखिए ना कितना अच्छे से आपको मैं पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन क्या पूछे गए। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे मिला कहाँ से, पिछले साल एक अनसॉल्व मार्केट में आता है, अनसॉल्व उसमें दिया रहता है 17-16, तो मेरे पास वो अनसॉल्व अवेलेबल है, उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो मैं बैठ के देखता हूँ कि यार फर्स्ट यूनिट से, मतलब शैक्षिक प्रशासन से कितने सवाल आए, कौन से सवाल, तो उसको यहाँ पर बनाया जाता है। और हाँ, बहुत ही खास थैंक यू सो मच मेरी एक असिस्टेंट कह लें या फिर मेरे एक दोस्त कह लें जो कि ये पीडीएफ बनाते हैं, तो बहुत खास थैंक यू उनके लिए भी, उनके सहायता से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं बच्चों, इस प्रकार से आपके लिए वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो आपका क्या करना है, जो भी ये प्रश्न थे स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो उसको अपने शब्दों में लिखिए, बाकी मैं वीडियोस बना के तो अपलोड ही करूँगा, और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उनसे कहिएगा कि आ जाओ भाई, ये छोटा बच्चा है, अच्छा बताता है अच्छा बताता है, तो अच्छा लगेगा उनको आके। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें हम एक ही वीडियो में सब कुछ देख डालेंगे, क्या बोलते हैं आप, चलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा, ताकि दूसरे वीडियो में हम फिर मिल सकें। अपना काम जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लग रही हो तो, शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप किस लिए बनाए हैं, आपके सारे दोस्तों पता नहीं क्या क्या पर्सनल चैटिंग करते रहते हैं, आप एक अच्छा पढ़ाई वाला डालिए वहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी वीडियो आपको, वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में।